Panda. I got broads in the land. She's a dolly in the family. Credit cards in the scams. Hitting the licks in the van. ओ भाई 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 ये कौन था? ये शायद टॉप फोर या टॉप फाइव में है ना, अभी चल रहा है ना। ओ भाई अपने चैनल पे तो बहुत ओपी ओपी गेम प्ले दिखाते हैं। अभी क्या हो गया इनको है? हाँ बेशक वो अलग बात है कि सारे लोग शॉटगन किंग, ये किंग वो किंग, ठीक है माना तुम्हारा गेम प्ले बहुत ही धांसू, बहुत ही अव्वल दर्जे का है, बट एक बात समझ लो, चीटिंग शोभा नहीं देती, किसी को नहीं देती चीटिंग शोभा। ये तो सभी जानते कि टॉप वन ग्लोबल के लिए गुच्ची नल्ले वाले फेमस हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास भाई बहुत सारे पैसे हैं, और एक्चुअली पता है सारी जो आईडीज आती है इनके पास डबल रैंक टोकन, हर सीजन कोई इतना ज़्यादा डबल रैंक टोकन वाली आईडी कहाँ से ले आता है। और इस बारी तो भाई साहब हमारे आयुष सर भी हैं, बच्चे हैं वो। मैंने कभी नहीं ऐसा सोचा था कि जो बंदा मतलब बातें बड़ी बड़ी करता है ऐसा वैसा करके, और वो बंदा भी सेम करेगा ऐसा ऐसी चीज़ें। नहीं भाई पहले तो तुम WTF मोमेंट्स, मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे तो, बट यार ये कौन सी बात हुई कि मतलब ये तो चीटिंग हुई ना, ये तो स्कैम हुई ना। सी बात है, तुम जिस आईडी से टॉप वन ग्लोबल पे हो और फिर उसी आईडी से तुम गेम प्ले डालो या फिर कुछ करो तो कोई बात नहीं है, बट यार तू सेकेंड आईडी से डालो गेम प्ले और ऊपर से स्क्रिप्ट उसमें लगा कर डालो तो भाई ये तो ये सारे आइडियाज़ पता है, ये सारे आइडियाज़ ही उन भड़वों का रहता है, गुच्ची भड़वों का। तो मैं बता देता हूँ, ये गुच्ची भड़वों, गुच्ची वाले जो है ना यही काम ही करते हैं, बचपन से ही उल्टे पैदा हुए हैं। हाँ उल्टे पैदा हुए हैं, इसलिए इनको कोई काम ही नहीं है गाइस। मतलब क्योंकि यार मेरे को पहली बार ऐसे कम्युनिटी में एक ऐसा बंदा मिला है जिसकी वीडियो देख के मैं कसम से बहुत ज़्यादा खुश हुआ। वो बंदा लिटरली बता रहा, ठीक है तुम लोग सोचते थे कि मैं हमेशा फेम पाने के लिए करता हूँ, मैं हमेशा प्रमोशन के लिए करता हूँ, लेकिन GSK कौन सा प्रमोशन चाहता है भाई, उसके तो 7 लाख सब्सक्राइबर हैं। हाँ वो बंदा क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि उस बंदे की भी जली भाई, उस बंदे की भी जली भाई, क्यों चल रहा है ऐसा? अपन जिस गेम को खेलते हो उस गेम को इंडिया में रहते हो यार, इंडिया हर हमेशा से मतलब एक अच्छा सा रीजन माना गया था, और इन नल्लों ने उस रीजन को इतना गंदा बना दिया। मैंने सुना है राजस्टर नल्ला 14-15 साल का है। अरे भोसरी वाले 14-15 साल के गंदे बच्चे, ठीक है तुम्हारी एज तो ठीक है मानी जाती है, तुम तो बच्चे हो, नल्ले हो, कुत्ते हो, कमीने हो, चूतिए हो, गंडू, ठीक है ना, तुम छोड़ो। लेकिन तुम्हारा जो साथ दे रहा है वो गांड सूजन ये भी बात उसने GSK ने बोली भाई, इतना खुश हुआ मैं, मैंने सोचा सही है भाई, सही है भाई, सही है, कोई तो मिला कम्युनिटी में जो मतलब खड़ा हुआ है मेरे साथ। बिल्कुल वो पता नहीं मेरे को तो जानता है वो, बट सही था भाई, बहुत सही था GSK भाई। ये हमारा जो टॉप वन प्लेयर है, इनकी क्या है, दो आईडी इन्होंने बना रखी है, एक टॉप वन पे आईडी बना नहीं रखी है, एक आईडी परचेज की हुई है डबल रैंक टोकन, पता नहीं कितने 5-6 हज़ार रैंक टोकन है क्या, जो कि अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा। चलो छोड़ो खैर, तो ये जो गेम प्ले डाले थे अपने चैनल पे, तो मेरे पास एक वीडियो क्लिप आई थी जो मुझे स्कालॉर्ड ने भेजी थी, तो उन्होंने क्या बोला कि ये देखो, और भाई इसकी हेडशॉट अचानक से 53%। सही है भाई, बहुत सही भाई, बहुत हार्ड भाई, जो बंदा मतलब 20-30% हेडशॉट रेट रखता था, आज उसके बहुत अचानक से भाई 20% हेडशॉट रेट इम्प्रूवमेंट हो गए। ओ भाई साहब मारो कहीं, मुझे मारो, मुझे नहीं
ये ही संगत मैंने उच्ची हैकर्स के बारे में बताया था, तभी उच्ची वालों की कोई औकात नहीं थी, ठीक है ना, बंदे ये जाने उच्ची वाले हैकर्स थे, और स्टिल भाई स्टिल उनको कौन नहीं जानता भाई, इतने चुतिए पे कर रहे हैं। रीजन में आईडी स्कैम भाई, क्या क्या पता नहीं यार, बहुत सारा कुछ। और जो लोग यार उनका साथ दे रहे हो यार, लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, बट यार लिटरली अगर कोई गुच्ची वाला ग्रुप रहता है ना, मेरे मुँह से गाली ही निकलती है, क्योंकि इन नलों ने पूरा ख़राब कर रखा है रीजन को। और एक हमारे नान सुजन भाई, इनको जलने के अलावा और कोई काम नहीं है, अगर इनके अगेंस्ट कोई वीडियो डालता है तो उस पर स्ट्राइक खानी है, अगर इनको कोई प्रूफ्स मिल जाते हैं कि मैं इस पर स्ट्राइक डाल सकता हूँ, तो स्ट्राइक डालनी है उनको भाई। क्यों? क्योंकि मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर मेरे नाम पे सब्सक्राइबर वो गेन करेगा, क्यों भला भाई, तुम में ऐसा क्या है जो हम में नहीं है? तो मैं बता दूँ, नान सुजन जी कहेंगे हमारे पास पीसी है, हमारे पास राई है, तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? हमारे पास सच है, जो अपन बोल सकते हैं, और सामने वाले पता नहीं विश्वास करें ना तो क्या ही करें, बस इतना ही कह सकते हैं।